नमस्कार, समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको झारखंड और बिहार की तमाम अहम खबरों से रूबरू करवाते हैं, तो चलिए देखते हैं। बिहार के गया में वोट के बदले खून लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत चुनाव में जिन लोगों को दबंग प्रवृत्ति के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया गया, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला टेंकू पर प्रखंड के बासा पीपरा का है, जहां पूर्व दबंग मुखिया उमेश यादव और पहलवान यादव तथा उनके गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग कर कई लोगों को घायल कर दिया। इस फायरिंग में 14 साल के एक बच्चे को भी गोली लगी है। जानकारी मिलने तक टेंकूपा थाने के जरिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही गया के एसएसपी ने इस मामले पर जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। बिहार के हाजीपुर में लुटेरों ने पुलिस जवान पर हमला कर दिया। घटना मुजफ्फरपुर NH-22 की है, जहां घायल जवान रविंद्र सिंह हाजीपुर कोर्ट में अपनी तैनाती की ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी एनएच पर लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और लूट की कोशिश की। जवान ने जब विरोध किया तो लुटेरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। हमले में होमगार्ड जवान को 3 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उनकी गंभीर हालत को देखकर पटना रेफर कर दिया गया है। गोपालगंज में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। मामला मीरगंज के जिगना मोड़ का है, जहां 28 वर्षीय गुलाबसा खातून को उसके पति सद्दाम ने मायके से घर ले जाने के बहाने गोपालगंज में उसके गले में रस्सी का फंदा लगाकर और गला रेतकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और शव NH के किनारे फेंक कर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथी को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। SDPO के मुताबिक पति ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। धनबाद में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 50 वर्षीय आरोपी को न्यायालय ने पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास सहित 50,000 जुर्माना देने की सजा दी है। बता दें कि 2020 में भूली थाना में बच्ची की मां ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, जहां बच्चे की मां का कहना था कि जब वो आरोपी हलीम के पास अपनी बच्ची को छोड़कर गई थी, तब आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जमशेदपुर SSP के निर्देश के बाद जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों और जमशेदपुर पुलिस के लीगल एडवाइजर के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से धारा 41A और जीजी एक्ट कानून को जिले में प्रभावी बनाने और उनके अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए कारगर तरीके से रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी दी गई। इसके अलावा IT एक्ट को भी प्रभावी तरीके से जेल में लागू करने और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में कैसे अनुसंधान किया जाए, इस पर चर्चा की गई। मोतिहारी जिले के हरसिद्धि में RTI कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्याकांड के 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के अलावा हरसिद्धि थाना पुलिस की कार्यशाली से असंतुष्ट परिजनों ने दूसरी बार अररात छप्पर सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर बैठे RTI कार्यकर्ताओं के परिजनों ने पुलिस की कार्यशाली के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बता दें कि विगत 24 दिसंबर को दिन दहाड़े हरसिद्धि प्रखंड गेट के पास RTI कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को अपराधियों ने गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। देवघर में लगातार घटते तापमान और धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से देवघर नगर क्षेत्र में 10 से 12 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि देवघर के उपायुक्त के द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जिससे राहगीरों को थोड़ी राहत मिल सके। पटना में IGMS के तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। उनकी शिकायत है कि 5 साल से उनके वेतन को नहीं बढ़ाया गया है और वर्तमान वेतन भी समय पर नहीं दी जाती है। COVID-19 के दौरान उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में भी लोगों की सेवा की, लेकिन उनकी प्रोत्साहन राशि भी अभी तक नहीं मिली है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन की बात नहीं सुनती है तो आगे भी उनका आंदोलन और उग्र होगा। ऐसे ही ताजातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।